हेलो जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। एक तो पीछे से इतनी आवाज़ आ रही होगी और मेरे तो गला बैठा हुआ है पूरा का पूरा। तो अभी मैं जा रही हूँ मेन मार्केट, क्योंकि मेरी सैंडल टूट गई है। शादी वाला दिन है आज, तो मेरे को सैंडल खरीदनी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट में मेरी सैंडल टूट गई है। और हल्दी वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। जाओ भाई जाओ। अभी मैं मार्केट आई हूँ सैंडल खरीदने, और दो तीन चीज़ें खरीदनी है जो मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए। बाकी मुझे मेकअप कराने के लिए जाना है। मेकअप आर्टिस्ट हमने बुक कर रखी है, तो उसके लिए भी कहीं लेट ना हो जाओ, क्योंकि मुझे पहुँचना है टाइमली। मुझे दो तीन लोगों का मेकअप भी करना है, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल चलो मार्केट। मेरा तो पूरा गला बैठा हुआ, पूरा गला बोला भी नहीं जा रहा है। मुझे दो तीन गजरे भी खरीदने हैं, देखते क्या क्या पूरा होता है। बस निकल आई हूँ मार्केट में, टाइम भी हो गया 12:30 बजे, नेहल को लेने भी जाना है। चलो जी, ये मेन सैंडल है। चलो जी, मुझे ना पार्टी वेयर सैंडल देखते हैं, हील में कम हील चाहिए। एक तो मेरे नंबर के ना सैंडल भी नहीं आती है, प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी वैरायटी है, कन्फ्यूज हूँ। मुझे कम हील में चाहिए, ज़्यादा हील नहीं चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं पहले। हमेशा साइज का ही प्रॉब्लम रहा है, ये थोड़ा सा टाइट है भैया। ये सैंडल खरीद ली है, अब जो पहले सैंडल पसंद आई वही ले ली मैंने। अब मुझे सोच रही थी मतलब रेडी टू वेयर वाला ब्लाउज देखूं, और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा। देखते हैं कहाँ देखूँ रेडी टू वेयर ब्लाउज। छोड़ी में आर्टिफिशियल नेल्स देखते चलो पहले। इसी के पास से खरीदती हूँ, उसके पास से खरीदती हूँ, यहाँ आके खरीदती हूँ। चलो यार चलो, इसी के पास खरीदना है। मैंने नेल्स नहीं लिया, तो थोड़ा करप्शन नहीं है, देखते हैं, क्योंकि बहन को लेने बेटी को लेने जाना है। चलो गजरा देखते हैं, गजरा ले लूँ फिर उनको कॉल करती हूँ, क्योंकि वो हो रहे आ गए वो भी। गजरा लेना है आगे से, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि रेडीमेड ब्लाउज खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। हाँ, क्योंकि मैंने मम्मी का ब्लाउज मंगाया, साड़ी वही पहन रही हूँ मम्मी की, पर आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो। मैं निकल गई हूँ, हाथ में चूड़ा हील वगैरह पहन लिया है मैंने। मैं इससे भी बस मेकअप कराने जा रही हूँ, और गजरा नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। गजरा तो ठीक ही नहीं मिला, और बहुत एक मतलब एक ही लड़ी मिली, वो भी इतनी महंगी मिल रही थी। चलो मेकअप कराते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हेयर स्टाइल बैठता है, हेयर स्टाइल अच्छा होगा या नहीं होगा, फिर देखते हैं। आई डोंट नो बट मुझे लुक बिल्कुल ऐसा चाहिए। लेट्स होप, चलो मेकअप कराते हैं। तो यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, अभी हेयर स्टाइल और साइड ड्रेपिंग रहती है। मेरी दोनों बहनें भी आ गई थी, अभी उन दोनों का जो है मेकअप अभी हुआ नहीं था, तो मेरे को हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या कराना चाहिए, क्योंकि मुझे ओपन अच्छा लग रहा था। और साड़ी मैं प्लेट्स वाली लूँगी, तो मैंने फिर फाइनली मेरा जो मेकअप जिस अकॉर्डिंग हुआ है हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग, मैं वही करवा रही हूँ। मैं यहाँ पर जुड़ा बनवा रही हूँ, क्योंकि मेरे को गजरा भी मिल गया था, तो मैं यहाँ पर ना फंकी सा हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ, मतलब जो जुड़ा होता है ना मिसी बन, वो बनवा रही हूँ मिसी बन, और ऐसे मतलब कर्ल्स कर करके यहाँ पर मेरे बालों को मैगी स्टाइल दे दिया गया, और इसके बाद मेरे बालों को जूड़ा बना दिया है। यहाँ पे मैं अपनी बहन को जागृति को जो ना मतलब मना कर रही थी कि ऐसे मतलब मत दिखा, वो मम्मी को दिखा रही थी कि कैसे लग रहे हैं हम लोग। फिर मैं यहाँ पे बता रही थी कि मुझे कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, कि मेरे को थोड़ा सा नीचे बन ये, क्योंकि मुझे जूड़ा जो है ना ऊपर अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, तो यही मैं उसको समझा रही थी। और यहाँ पर मेरा कम्प्लीट जो है हेयर स्टाइल बन चुका है।
ये मेरा फाइनल लुक है। हम घर पहुंच चुके हैं और मैंने आंखों में लेंसेज लगाए, बताना कि कैसा लग रहा है। मैंने पूरा बाल बाल जो है ना, अभी एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों को ना पूरा लुक दिखाती हूँ और ना पूरा घर का टूर कराती हूँ, क्या क्या हो रहा है शादी में, कहाँ हो रहा है, ब्राइड कैसी लग रही है और हमारी फैमिली कैसी लग रही है। चलो मिनी ऊपर तो देख, माता चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। मेरी चाची और मेरी बुआ, दुल्हन की माँ, दुल्हन की माँ, जरा घूमो तो। बस भाई बस, कहाँ गए सब, कहाँ गए फाइनली यहाँ पे बारात आ चुकी है और यहाँ पे वेलकम हो रहा है दूल्हे राजा की। दुल्हन अभी नहीं आई है, वो रिचुअल्स कर रही है घर पर, जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं। तो ये वेडिंग वीडियो का पार्ट वन है और वेडिंग पार्ट टू मैं आप लोग के जल्दी शेयर करूँगी। अभी मैं बहुत चीज़ों में बिजी हूँ, उसका भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बट अभी आप ये इन्जॉय करो शादी का, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वेट करें पार्ट टू के लिए।